खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के संडे वाले एपिसोड में पहला स्टंट जन्नत जुबेर ने किया। इस स्टंट को पानी के अंदर करना था। जन्नत काफी देर तक कोशिश करती रही, पर वो पूल के किनारे पहुंचती हैं, तभी ठंडे पानी की वजह से बेहोश होने लगती हैं। वहां रोहित शेट्टी खड़े रहते हैं जो उनका हाथ पकड़कर उन्हें पानी से बाहर निकालते हैं और स्टंट को पूरा नहीं कर पाती हैं। वहीं मेडिकल की वजह से वो अब बाहर हो गई हैं। जन्नत के बाद इस स्टंट को राजीव अदातिया ने किया और वो स्टंट को जीतने में कामयाब रहे। शो में अगला हेलीकॉप्टर स्टंट था, इसके लिए कनिका मान को चुना गया, लेकिन वो बीच स्टंट में ही हेलीकॉप्टर से नीचे पानी के अंदर गिर गयी। कनिका के बाद स्थिति झा स्टंट के लिए पहुंची, उन्होंने इसे काफी अच्छे से किया। आगे रोहित प्रतीक सहजपाल से कहते हैं कि उन्होंने अगर इसी स्टंट को पूरा करके दिखा दिया तो उन्हें एलिमिनेशन से बचा देंगे। दरअसल रोहित ने प्रतीक के साथ ये प्रैंक किया था। जब प्रतीक हेलीकॉप्टर पर बैठे होते हैं, हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो खूब डर जाते हैं। एलिमिनेशन स्टंट में 3 कंटेस्टेंट के बीच मुकाबला हुआ। जन्नत जुबैर, कनिका मान और प्रतीक सहजपाल ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। इस स्टंट को करने के लिए रोहित शेट्टी ने सबसे पहले कनिका मान को बुलाया, उसके बाद जन्नत और फिर प्रतीक स्टंट के लिए पहुंचे। स्टंट शुरू करने से पहले ही प्रतीक घबराने लगे, आखिर में वो स्टंट से अबॉर्ट कर देते हैं। एंड अब प्रतीक शो का हिस्सा नहीं है, वो शो से इविक्ट हो चुके हैं। उनके फैंस को जरूर इस बात का झटका लगा होगा, बिकॉज फैंस प्रतीक को एज अ विनर देख रहे थे, बट ऐसा नहीं हो पाया है। ट्रेंडिंग बॉलीवुड अपडेट से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।